गाइस व्हाट्सअप, और आज हम लोग करने वाले हैं रूम टूर। तो लेट्स बिगिन। सो वो रहा हमारा कॉटेज, चलते हैं। वाह, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज है, मेरे कॉटेज से ज़्यादा अच्छी दिखती है, और ज़्यादा वैसे तो है ही। तो चलते ऊपर, ये ब्लॉक टू है, पर मैंने व्लॉग वन को ख़त्म करा है, उसके थोड़ी देर बाद ही बनाना ही शुरू कर दिया है। रिजॉर्ट का नाम चलो बता दूंगा ब्लॉग के बीच में। ये मैप पाई सीरीज है, द बिगेस्ट कॉटेजेस इन दिस रिजॉर्ट। कॉटेज Let's go. जब लोग हम लोग एंटर करते हैं तो अब सामने होता है एक हमारा ड्राइंग रूम। एक ये सोफा है, डाइनिंग टेबल भी, एक सिंगल बेड, स्टोरेज स्पेस, फ्रिज, दो और सोफे। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आ जाते हैं विंडो, और ये मिरर, फिर हमारे पास आते हैं दो बेडरूम्स। तो पहले उस बेडरूम में चलते जहाँ पे मैं और विवान रहते हैं। ये रहा हीटर, और ये सिर्फ कुछ ही रूम्स में, मतलब जो बड़े रूम्स होते हैं उनमें में मिलता है। हीरा लैम, मेरी बुक, हीरा पूरा बेड, टी बनाने का सामान, एक अच्छा सा टीवी। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक स्टडी टेबल जैसी मिलती है, और फिर से एक मिरर, ये भी एक लैम्प है, और यहाँ पे हमें एक कैबिनेट मिल जाती है जिसके, और फिर हम आ जाते हैं अपने वॉशरूम में। वॉशरूम कुछ ऐसा है, तो फिर हम लोग चलते हैं इधर। यहाँ का शावर बहुत ज़्यादा हाईटेक है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एक शावर, दो शावर, तीन चावल, एक टैप, और चौथा चावल। और जब मैंने इसमें पहली बार नहाने की कोशिश करी थी तब इससे एक गन की तरह पानी बाहर निकला था, वो भी ठंडा। सोचो -1 टेम्परेचर में ठंडा पानी। फिर हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पे भी एक टेबल और एक सोफा, एक अच्छा सा व्यू, वाह। फिर चलते हैं दूसरे पे। यहाँ पे भी सेम, बिल्कुल सेम ही है, और ये हीटर जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ बड़े रूम्स में ही मिलता है, बाकी छोटे रूम में नॉर्मल हीटर। ये एक और सी टेबल, वॉशरूम भी बिल्कुल सेम ही है, उसमें कुछ दिखाने की बात नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।
ऐसे मैंने रूम टूर इसलिए बनाया क्योंकि यूट्यूब पे मैंने जब डिकांतर रिजॉर्ट के बारे में देखा था, तब उसमें जितने भी रूम टूर थे वो अच्छे से नहीं बने थे, मतलब सब चीज़ें नहीं दिखाई गई थी, और ख़ासकर जो इधर ये कॉटेज है, जो सबसे बड़ा कॉटेज है, उसका तो एक भी वीडियो नहीं था। तो आज का वो यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।